फ्रेंड्स, कैसे हैं सब? आई होप सब अच्छे होंगे, बड़े होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। आज मैं बात करने वाली हूँ रजनी गुजू सोरेन के बारे में। अगर आप लोगों ने मेरा वीडियो नहीं देखा है बर्थडे सेलिब्रेशन वाला, तो प्लीज़ पहले आप लोग वीडियो देख लें, वरना आपको समझ शायद ना आए। तो मैं बात करने वाली हूँ इस टॉपिक पे कि जब रजनी का बर्थडे था गुजू सोरेन का, तो उन्होंने सबको इनवाइट किया था। बहुत पहले से इनवाइट कर रहे थे वो कि आप सब आइएगा, बट जो जो जितने उनके सब्सक्राइबर हैं सब, मतलब जो मतलब वहाँ रहते हैं जमशेदपुर में और आसपास, सब वहाँ पहुँचे, बट मैं वहाँ नहीं थी। मतलब मैं बहुत दूर हूँ, तो अगर मैं वहाँ होती, मुझसे पॉसिबल होता, तो मैं ज़रूर जाती उनके घर, उनके साथ सेलिब्रेट करती, बट मैं वहाँ नहीं पहुँच पाई, नहीं जा सकती थी। इस वजह से मैंने सोचा कि मैं जहाँ पर हूँ मैं उनका बर्थडे वहीं सेलिब्रेट करूँ। तो उस दिन जिस दिन उनका बर्थडे था मैंने सेलिब्रेट किया, मुझे बहुत अच्छा लगा। और मैंने मतलब मुझे अच्छा लगा, मैं चाहती थी कि रजनी को भी अच्छा लगे। तो आपको ये मैटर नहीं करता कि आपसे कोई भी इंसान दूर है या पास है, बस अगर आप उसको सपोर्ट करते हो या आप उसके फ़ैन हो, आपको उसके ब्लॉग्स अच्छे लगते हैं, तो ये चीज़ मैटर बिल्कुल नहीं करती है कि वो कितना दूर है। मैटर ये करता है कि आप उसे कितना अटैच्ड हो, कितना फील करते हो उसके लिए, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। तो फ्रेंड, मैंने बर्थडे सेलिब्रेट किया, मुझे बहुत अच्छा लगा। और मैं अगर मेरे साथ रजनी होती या मैं रजनी के साथ होती तो मुझे बहुत और भी ज़्यादा अच्छा लगता, और भी ज़्यादा मज़ा आता। तो मैं मतलब मैं जानना चाहती हूँ रजनी से कि उन्होंने मेरा वीडियो देखा, उनको कैसा लगा, उन्होंने क्या फील किया। मैं उनका मतलब उनके मन की बात जानना चाहती हूँ। तो प्लीज़ अगर रजनी मेरा वीडियो देखे, रजनी तक मेरा वीडियो पहुँच जाए, अगर मेरा वीडियो देखे, तो प्लीज़ मुझे एक बार बताएं ज़रूर कि उन्हें कितना अच्छा लगा कि एक सब्सक्राइबर उनकी जो इतनी दूर है उनसे नहीं मिल सकी। बात करने की कोशिश मैंने बहुत की, बहुत ट्राई किया, बहुत टाइम से ट्राई करती आ रही हूँ, बट मेरी उनसे कोई बात नहीं हो पा रही है। क्योंकि मैं समझती हूँ, क्योंकि उनके बहुत सारे सब्सक्राइबर्स हैं, इंस्टा पे भी बहुत फॉलोवर्स हैं, हर टाइम मैसेजेस आते होंगे, किसी को ध्यान दें, समझती हूँ। पर मैं ये चाहती हूँ कि उन तक मेरा बर्थडे वाला वीडियो पहुँचे। उन्होंने अगर देखा है मेरा वीडियो तो प्लीज़ रजनी मेरे को रिप्लाई दें। और मैं जानना चाहती हूँ कि उनको कितना अच्छा लगा, उन्होंने इस चीज़ को कितना मतलब कितनी खुशी हुई उनको कि उनके सब्सक्राइबर इतनी दूर रहकर भी उनके लिए इतना मतलब सपोर्ट कर रहे हैं, उनके लिए इतना मतलब उनकी खुशी के लिए मतलब इतना सपोर्ट कर रहे हैं उनके सक्सेस के लिए। तो मैं ये चाहती हूँ कि वो मुझे रिप्लाई दें। और मैं तो टिकटॉक के टाइम से रजनी को जानती हूँ, टिकटॉक के टाइम से उनको सपोर्ट करती आई हूँ, तो मैं उनके ब्लॉग डेली देखती हूँ। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि उन्होंने इतना स्ट्रगल किया है, स्ट्रगल करने के बाद आज वो यहाँ तक पहुँची है और आगे बहुत आगे तक जाएं। मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करती हूँ। तो मैं रजनी से चाहती हूँ कि रजनी, प्लीज़ अगर आप तक मेरा ये वीडियो पहुँच जाए तो प्लीज़ मेरे को रिप्लाई ज़रूर करें, क्योंकि मैं जानना चाहती हूँ, क्योंकि आप जिसके भी कर रहे हो इतना सब आपने किया है, तो सामने वाला क्या फील करता है ये तो जानना ज़रूरी है ना, कि सामने वाले को कितना अच्छा लगा, उसकी खुशी कितनी हुई। तो मुझे तो खुशी थी, मैं बहुत खुश थी। मुझे ना बस एक चीज़ ये लगी कि मैं भी वहाँ होती तो सबके साथ कितना इन्जॉय करती, और अगर यहाँ पर होते सब तो कितना इन्जॉय करते, कितना मज़ा आता, बट नहीं हो पाया, क्योंकि मैं बहुत दूर से हूँ, जमशेदपुर से, मैं कानपुर से हूँ। हाँ, इन फ्यूचर कभी अगर मिलना होगा तो ज़रूर मिलेंगे, क्योंकि रजनी तो बोलती हैं कि उनके घर कोई भी आ सकता है, उनका कोई भी सब्सक्राइबर आ सकता है। बट अगर मेरा कभी उधर जाना हुआ इन फ्यूचर, या कभी रजनी का इधर आना हुआ, तो वो ज़रूर मिलेंगे। और मैं यही ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि रजनी बहुत आगे तक जाए, बहुत वो उनकी फैमिली, उनके बच्चे हमेशा खुश रहें,
लेकिन उन्होंने लाइफ में बहुत स्ट्रगल देखा है। मुझे ब्लॉग्स मैं डेली देखती हूँ, तो मुझे पता है उन्होंने एक स्टोरी अपनी बताई हुई थी कि किस तरह से सारी चीज़ें की हुई हैं। तो मैं बस ये होप करती हूँ रश्मि आपसे कि अगर आपको मेरा ये वीडियो मिलता है, आप तक पहुँच जाता है, आप अगर देख लेते तो सो प्लीज़ रश्मि एक बार मुझे ये ज़रूर बताएं कि आपको मेरा बर्थडे सेलिब्रेशन वीडियो कैसा लगा। मुझसे जो हो पाया, जितना हो पाया मैंने किया, आपको कितना अच्छा लगा, आपने कितना फील किया उस चीज़ को, क्योंकि इंसान जब पास नहीं होता दूर होता है तो वो फील कर सकता है, फील ही कर सकता है। तो आपने कितना फील किया, आपको कितना अच्छा लगा, मैं मुझे पता है आपको तो बहुत जानने वाले हैं, बहुत सब्सक्राइबर्स हैं, बहुत चाहने वाले हैं, बहुत प्यार करते हैं, बट मैं भी सब्सक्राइबर हूँ आपकी। तो मुझे ज़रूर बताइए प्लीज़ रश्मि, आई रिक्वेस्ट यू कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा और कितना अच्छा लगा प्लीज़। और अगर हो सके ना रश्मि तो प्लीज़ मुझसे एक बार बात करने का ट्राई करें। अगर आप जब भी फ्री हो तो प्लीज़ मुझसे बात करने के लिए एक बार ट्राई ज़रूर करें, क्योंकि मैं बहुत टाइम से आपसे कोशिश कर रही हूँ बात करने की। मैं चाहती हूँ आपसे बात करना, और जिस दिन आपसे मेरी बात होगी उस दिन मुझे बहुत अच्छा लगेगा, बहुत 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 अच्छा लगेगा। तो प्लीज़ रश्मि अगर आप तक ये वीडियो पहुँच जाए तो प्लीज़ मेरे से बात करिएगा, मैं वेट करूँगी। तो इस वीडियो को मैं करती हूँ एंड, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।